आइए दोस्तों सुनते हैं 90 के दशक की बोल्ड और खूबसूरत अभिनेत्री ममता कुलकर्णी पर फिल्माए गए 10 सुपरहिट गाने। पहला गाना सुनते हैं साल 1993 की फिल्म तिरंगा से। फिल्म में इनके साथ अभिनेता हरीश हैं। इसे लिखा था संतोष आनंद ने, संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गाया था मोहम्मद अजीज और कविता कृष्णामूर्ति ने। दूसरा गाना सुनते हैं साल 1994 की फिल्म क्रांतिवीर से। फिल्म में इनके साथ अभिनेता अतुल अग्निहोत्री हैं। खुशबू पवन रंग नगारे। इसे लिखा था समीर ने, संगीतबद्ध किया था आनंद मिलिंद ने और गाया था उदित नारायण और साधना सरगम ने। ये सब क्या है नाम तुम्हारे। तीसरा गाना सुनते हैं साल 1995 की फिल्म सबसे बड़ा खिलाड़ी से। फिल्म इनके साथ अभिनेता अक्षय कुमार हैं। जहर है कि प्यार है तेरा चुम्मा, कैसा ये खुमार है तेरा चुम्मा। इसे लिखा था देव कोहली ने, संगीतबद्ध किया था राजेश रोशन ने और गाया था कुमार सानू ने। मैंने देखा नहीं तेरे जैसा कोई, मुझको तेरे सर की कसम। चौथा गाना सुनते हैं साल 1995 की फिल्म कर्ण अर्जुन से। फिल्म इनके साथ अभिनेता सलमान खान है। इसे लिखा था इंदिवर ने, संगीतबद्ध किया था राजेश रोशन ने और गाया था लता मंगेशकर ने। कर देना पागल तुझे होए, पागल तुझे रो। पांचवा गाना सुनते हैं साल 2001 की फिल्म छुपा रुस्तम से। फिल्म में इनके साथ अभिनेता संजय कपूर हैं। इसे लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीतबद्ध किया था आनंद मिलिंद ने और गाया था अलका याग्निक ने। तू निकला छुपा रुस्तम, तू निकला छुपा रुस्तम। छठा गाना सुनते हैं साल 1995 की फिल्म कर्ण अर्जुन से। फिल्म में इनके साथ दूसरे कलाकार हैं सलमान खान, शाहरुख खान और काजोल। इसे लिखा था इंदिवर ने, संगीतबद्ध किया था राजेश रोशन ने और गाया था इलारून और अलका याग्निक ने। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। सातवां गाना सुनते हैं साल 2001 की फिल्म छुपा रुस्तम से। इसे लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीतबद्ध किया था आनंद मिलिंद ने और गाया था अलका याग्निक और कुमार सानू ने। ये चांद कोई दीवाना है, कोई आशिक बड़ा पुराना है। आठवां गाना सुनते हैं साल 1995 की फिल्म किस्मत से। फिल्म इनके साथ अभिनेता गोविंदा है। महबूब सनम तुझे मेरी कसम ना, हाथ लगा गोरे तन को। इसे लिखा था समीर ने, संगीतबद्ध किया था आनंद मिलिंद ने और गाया था उदित नारायण और साधना सरगम ने। कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है। नौवां गाना सुनते हैं साल 1995 की फिल्म सबसे बड़ा खिलाड़ी से। भरो मांग मेरी भरो। इसे लिखा था देव कोहली ने, संगीतबद्ध किया था राजेश रोशन ने और गाया था अभिजीत और ज्योति ने। चलो प्यार मुझे करो। ममता कुलकर्णी का जन्म 20 अप्रैल 1972 को मुंबई में हुआ था। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी। साल 1993 की फिल्म एहसांत और तिरंगा से इन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा था। इन्हें 90 के दशक की सबसे बोल्ड अभिनेत्री माना जाता है। ख्वाबों की कहानी अधूरी न रहे,
ममता कुलकर्णी ने साल 1993 में स्टारडस्ट मैगजीन के लिए टॉपलेस फोटोशूट करवाया था, जिसके लिए इन्हें 15,000 रुपये जुर्माना देना पड़ा था। स्टारडस्ट मैगजीन प्रतिबंधित कर दी गई थी, उसकी प्रतियां ब्लैक में बिकती थी। कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है। ममता कुलकर्णी का नाम अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के साथ जुड़ा था, साथ ही ये विक्की गोस्वामी नाम के व्यक्ति के साथ ड्रग्स के साथ पकड़ी गई थी। अब ये फिल्मी दुनिया से दूर हैं और एक योगिन का जीवन जी रही हैं। इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगिन। दसवें नंबर का गाना सुनते हैं साल 1995 की फिल्म करण अर्जुन से। इसे लिखा था इंदिवर ने, संगीतबद्ध किया था राजेश रोशन ने और गाया था मोहम्मद अजीज, सुदेश भोसले और साधना सरगम ने।